अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम फैसल है और यह है आज की हमारी रियलमी C25 की वीडियो। अब रियलमी ने इस फ़ोन की प्राइस पाकिस्तान में 29,999 रुपये रखी है, जबकि यह फ़ोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के बाद इससे भी सस्ता मिल सकता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी C25 की कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या ये फ़ोन वाकई में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करेंगे। तो रियलमी C25 में हमें 6.5 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है, जिसकी रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720p/1600 है, जहां PPI डेंसिटी 270 बनती है। इस डिस्प्ले के ऊपर वाली साइड पर एक ड्यू ड्रॉप नॉच है, जिसे रियलमी मिनी ड्रॉप डिस्प्ले कहता है। इस प्राइस रेंज में हमें कॉम्पिटिटर्स सुपर एमोलेड विद 1080p की रेजोल्यूशन के साथ में देते हैं, तो वहां ये डिस्प्ले बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अगर बेहतर होता कि इस फ़ोन में हमें एक पंच होल डिस्प्ले विद 1080p की रेजोल्यूशन के साथ में दिया जाता। अब बात कर लेते हैं OS एंड UI की। तो रियलमी C25 में एंड्रॉयड 11 है, साथ में रियलमी की अपनी UI 2.0 है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो रियलमी C25 में हमें MediaTek हीलियो G70 का गेमिंग चिपसेट दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। साथ में माली G52 का GPU है, 4 GB की रैम है और 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है। अब बात कर लेते हैं कैमरास की। तो इस फ़ोन में हमें बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर f1.8 है। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच में है। तो फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर की, जो कि है इस फ़ोन की बैटरी, क्योंकि इस फ़ोन में हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ इस फ़ोन में हमें 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी बात है। अगर बेहतर होता कि इस फ़ोन में हमें 33W की फास्ट चार्जिंग दी जाती। उसके अलावा इस फ़ोन में हमें टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, डुअल सिम का स्लॉट है, यानी कि एक टाइम पे आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। और इस फ़ोन की जो बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है। डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बैक साइड पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अगर बेहतर होता कि इस फ़ोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता। तो ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं, लेकिन प्राइस जो है रियलमी ने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अगर बेहतर होता कि इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन हमें 25,000 में दी जाती तो ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। मेरी नज़र में ये फ़ोन 30,000 की प्राइस में बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 30,000 में हमें रेडमी का नोट 10 मिल जाता है, वीवो का Y51 मिलता है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे हमें मिलती हैं। तो मेरी नज़र में रियलमी C17 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप लोगों ने रियलमी का फ़ोन बाय करना है। अदरवाइज़ रेडमी नोट 10 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो वीवो Y51 भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।